नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है जेएनयू के बारे में। जो जेएनयू एग्ज़ाम हुआ था, जो कॉमन एंट्रेंस होता है जो जेएनयू का, जेएनयू सीईबी जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए कॉम्बाइंड जो एग्ज़ाम होता है, एज़ वेल एज़ जो जेएनयू के सब सब्जेक्ट के लिए एमएससी एमए जो एग्ज़ाम होता है, एमएससी एमए बीकॉम, उसके जो एग्ज़ाम हुआ था 28 तारीख को एग्ज़ाम होने के बाद, उसका जो क्वेश्चन आप क्या रिस्पॉन्स दिए एग्ज़ाम में, आपका क्वेश्चन क्या क्या था, वो जेएनयू ने अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ पे जाके दोस्तों चेक कर सकते हैं। दोस्तों कैसे चेक कीजिएगा हम पहले बता दे रहे हैं। पहले आपको क्या करना है, JNUEE NTA करना है, फिर इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है NTA जेएनयू, इसलिए जेएनयू जो NTA कराया था एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सीधा जाके यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर जेएनयू जिसका एमएससी एमकॉम एंड एमए है, वो जाके डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर जेएनयू डबल ई में मिल जाएगा उसको। और जो कॉम्बाइंड एग्ज़ाम दिया था बायोटेक्नोलॉजी के लिए, उसको सेकेंड वाला ऑप्शन में उसको मिल जाएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। लेकिन उसके पहले हम एक बात करने जाता हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको जाके यहाँ पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खोलने के बाद आपको आपका जो एप्लीकेशन आईडी था, मतलब एप्लीकेशन जो नंबर था पहले जब फॉर्म फिलअप किए थे, वो नंबर पहले यहाँ पर देना है। देने के बाद आपका पासवर्ड भी वही देना है जो आप दिए थे। उसके बाद आपको जो कैप्चा कोड है उसको देना है, सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ ऐसे देना है। फिर जाके साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन पेपर एकदम बटन मिलेगा, वहाँ पर जाके आप क्लिक कीजिएगा। आप क्या क्या अटेंड किए एग्ज़ाम के दौरान आपको दिखाई देगा। और फिर से बोल रहा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और चलो दोस्तों, धन्यवाद।